विगत शाम धार के छटवाड़ा में 6 वर्षीय मासूम कनिष्ठ चौहान की अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल पर जाने के दौरान चाइनीज मांझे की चपेट में आ जाने की वजह से गला कट जाने से दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। साथ ही मकर संक्रांति पर नायलॉन के धागे और चीनी मांझे के उपयोग को लेकर भी आक्रोश देखा जा रहा है। आज सुबह मृत बालक का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया जाना था, जिसको लेकर परिजन और क्षेत्रवासियों द्वारा मृतक बालक का शव धार के हटवाड़ा स्थित मुख्य मार्ग पर रखकर चक्का जाम कर दिया गया और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रतिबंधित धागे के खुले आम बिकने पर कार्यवाही न किए जाने पर सवाल उठाते हुए उक्त धागे को बेचने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए मृतक बालक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाने की मांग की गई। परिजन की माने तो वहीं चाइना मांझे से रविवार शाम हुई 5 वर्षीय मासूम की मौत के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्यवाही शुरू की और प्रतिबंधित चाइना का मांझा बेचने को लेकर 3 दुकानदारों पर धारा 188 की कार्यवाही की गई। धार से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। फोटो ने झकझोड़ दिया है और रात भर नींद नहीं आने दी। प्रशासन के लिए 1 करोड़ मुआवजा मंजूर में मायने नहीं रखता। हमारी हटवाड़ा समिति की सब लोगों की मांग है कि 10 लाख से कम का मुआवजा और अभी आपके वरिष्ठों से चाहे जिनसे लेना है अभी स्पष्टीकरण लो, नहीं तो हम 8 रोज इस लाश पे हिलने देते। पचास हजार रूपए बकरा बकरी बात कर रही हूँ। हाँ उसके बाद मैडम इसमें कुछ नहीं होता, मुन्ना राठौड़ से बात कर रही हो, बाद में पानी भी जाता, इतने लोग इकट्ठे नहीं होते। गवाह मिले गवाह नहीं हो तो मैडम आपने ले ली, गवाह नहीं मिलेगा वो बाहर हो जाएगा। अरे सब कर लेंगे, वो बाहर नहीं होगा। 188 एक दो मिनट बहुत बाहर कर दी बात सुना। नायलॉन डोर पिछले 10 साल से धार में इस मामले में आपके पहले भी जितने रिकॉर्ड देख लेना, 10 कट्टे 20 कट्टे पकड़ा है, 50 कट्टे पकड़ा है, पहुंचे पर सजा के मुकाम तक एक आदमी नहीं पहुंचा। क्या शरद भांग अफीम की तरह हो गई नायलॉन डोर जो पकड़ी नहीं जा सकती है? इसकी एक वजह मैं भी समझता हूँ, जन सहयोग और गवाह का अभाव और नामर्द लोगों का होना। आप कल्पना करो एक नन्ना बच्चा आपका हो और उसका ऐसा लट जाए तो दिल पे क्या बीतेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ लेकिन आज मैं ये बात हटवाड़ा चोरे के वरिष्ठ के नाते आपके सामने रख रहा हूँ। खून के सौदागरों को फांसी के मुकाम तक जैसा पक्षी लटकता ऐसा जब तक प्रशासन नहीं पहुंचाएगा मजा नहीं आएगा। क्या चलो मेरी सुनो पूरी, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री एक ऐसा योद्धा है जिसने उज्जैन को कवर करा और धार का प्रशासन उसका पालन भी नहीं कर सका रत्ती भर। कितने आदमी इतने सख्त कानून के बावजूद कानून की गिरफ्त में आए, इसकी सीधी सीधी वजह जरा मेरी दिल की तो मैडम फिर आपकी मैं सुनूंगा चुप रही बोले मेरे दिल की सुन लो जो जो है जो रात भर मेरे को सोने नहीं दिए। क्या आपने चक्का जाम किया था? क्या कुछ रहा, क्या करें? आज का जो चक्का जाम है वो हटवाड़ा समिति के तत्वाधान में एक बच्चे की नायलॉन डोर से कल हुई दर्दनाक मौत के सिलसिले में था। इस चक्के जाम के माध्यम से हटवाड़ा समिति ने यह मुद्दा उठाया है कि नायलॉन डोर क्या प्रशासन के हाथों से बेकाबू हो गई, चरी अपन गांजे की तरह हो गई कि उसका कोई निदान नहीं हो, या डॉक्टर मोहन यादव ने जो उज्जैन में कल और परसों किया उसका अनुसरण धार का जिला प्रशासन क्यों नहीं कर सका, उसकी नींद को जगाने के लिए किया था। एक दर्दनाक हादसे में हटवाड़े क्षेत्र के लुनियापुरे का विनोद चौहान का अकेला बच्चा जो कई सालों के बाद हुआ था उसकी जिंदगी का चिराग बुझ गया। इसकी वजह थी नायलॉन डोर और उसके गले का इतना कट जाना कि उसका आधा खून घटना स्थल पे ही बह जाना उसकी मौत का कारण बना। और हटवाड़ा समिति ने कुंभकरण की सोई नींद में प्रशासन को जगाया है
कि वो जाग जाए और नायलॉन डोर के खिलाफ खतरनाक मोर्चा खोल के पूरे धारनगर से नायलॉन डोर का सफाया कर दे। इस परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अखबार समिति ने उम्मीद करी है और रोशनी पाटीदार ने एक 3 साल की बेटी के माँ के नाते भावनाओं में आके आज घोषणा करी है कि मैं जान लगा दूंगी पर इस परिवार का उद्धार जरूर करूंगी। 10 लाख मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, ये भी उसके बहुमूल्य बेटे के मुकाबले बहुत ठीक ही है। और अटवाड़ा समिति प्रशासन के सारे अधिकारियों को झूठा नहीं मानती, अगर उनने कर दिखाया तो हम अगला कदम भी उठाएंगे। उनमें तो हमारा अगला कदम नायलॉन के खिलाफ पूरा धार बंद है, इसको प्रशासन समझ। क्या नाम लिखते हैं? मुन्नालाल राठौड़, सार्वजनिक अटवाड़ा समिति पूर्व संरक्षक। आज इसीलिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।